इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई सजा क्यों है फैसल भाई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि जो कोर्ट के चार्जेस हैं वो राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। जारी बात है किस्म की इकॉनमी की सूरत हाल है, इंडस्ट्री और कम्युनिकेटर्स परेशान हैं, लेकिन ताहाल जो है वो उसका नोटिफिकेशन जो आपने ऐलान भी किया शाम तक हो जाएगा वो नहीं मिला, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी सवाल ये कि आपने आपकी जो स्पीच की इसमें बड़ी अहम बातें भी की हैं, उसमें आर्मी चीफ के हवाले से भी बात की आपने, कंसेंसस हो जाता है उसके हवाले से बता दीजिएगा। और आपने बोला कि वज़ीर आज़म को खत पैगाम भेजा था और जो उनका जो रिप्लाई आया है वो हौसला अफजा नहीं है, इन तीन बातों के हवाले से आप बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ACCA पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद दूंगा, इतना अहम इवेंट आप कर रहे हैं, 5 बरसों से हो रहा है, ACCA के ग्लोबल प्रेसिडेंट आए हैं, दुनिया में इंतहाई अहम मकाम है ACCA प्रोफेशनल्स का, और उनके ग्लोबल प्रेसिडेंट का यहाँ आना और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स करना सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, मैं कह रहा हूँ बहुत अहम है और लायक मुबारकबाद हो। दूसरी बात जनाब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वज़ीर आज़म का जवाब हौसला अफजा नहीं था। देखिए, एक रियलिटी चेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने ये कहा कि वज़ीर आज़म के जवाबात से बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उनको मसाइल का इदराक नहीं है, बखूबी है, ऐसा नहीं है कि हल की जानिब भी पेशकदमी नहीं करना चाहते, वो भी है, मेरे पास फ़ोन में मौजूद है ना, तो मुझे इल्म है कि उन्होंने कितना इनलाइटनिंग किस्म का जवाब दिया है। बट प्रॉब्लम जो मैंने कही कि मईशत के मसाइल किसी भी एक हुकूमत का मसला नहीं होने चाहिए, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आज से मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब कहते हैं कि आज इलेक्शन कॉल हो जाएं, हुकूमत ये कहती है कि असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, तो भाई 3 महीने बाद नहीं तो 6-8 महीने बाद जब भी इलेक्शन होने हैं एक नई हुकूमत तो आएगी ना, एक नए वज़ीर आज़म तो आएंगे, मईशत के मसाइल तो 6 महीने में दूर नहीं हो जाएंगे, इसलिए क्या बेहतर नहीं है कि हम आज से ही पेशबंदी करना शुरू करें? मैंने ये बात की थी। और हाँ, मैंने ये ज़रूर बात की कि जिस तरीके से हम सब इत्तेफाक़ राय पैदा कर लेते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हो, उसमें भी आर्मी ने लीड ली थी, या फिर सबको बिठाने में टेबल पर, या फिर जिस तरह आर्मी चीफ की जब हुई है एक्सटेंशन तो सब ने उस पर इत्तेफाक राय से बात की थी, तो मेरे ख्याल में मईशत भी एक बहुत अहम मसला है, उसकी दिगरगुं सूरत हाल उस पर बात होनी चाहिए। तीसरी बात जो आपने कही, देखिए ECCA जो है हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसको मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की तरफ से ये समरी जा चुकी है कि हम कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम के ये चार्जेस वेव ऑफ कर रहे हैं, ECCA ने अप्रूव करना है उसको और कैबिनेट में भेजना है, कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है वहाँ पर। लेकिन ये आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि जो बंदरगाहों के चार्जेस हैं वो बहुत कम हैं जितने के कंटेनर टर्मिनल्स के और शिपिंग लाइंस के हैं। आया उन प्राइवेट कंटेनर टर्मिनल्स और शिपिंग लाइंस से लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रेफ़र हो रहे हैं, विदाउट अ प्रेजुडिस रेफ़र हो रहे हैं। हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हमसे यही बात की थी, ताजिर अंजुमनों ने, कि जनाब स्टेट बैंक के तवस्सुत से मिलकर हमें चीज़ें भेजे जाएंगे वो, और हम टर्मिनल्स को कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं कि कौन सा कंटेनर टर्मिनल कितना वेवर दे चुका है। मुझे नामों का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हम किसी को इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि ताजिर समझते हुए हम उनका रेफरेंस दे रहे हैं। सर, लेकिन वो ताजिर और सनतकार इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि कोई भी उनको जो है ना वहाँ से वेव ऑफ या वेवर नहीं मिल रहा है, तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फिगर्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं। ताजिरों की बड़ी परेशानी है इस हवाले से, दूसरा कंटेनर्स का रश लगता चला जा रहा है, क्लियरेंस के इश्यूज हैं। एक कंटेनर टर्मिनल ने परसों ही रिपोर्ट किया है, उन्होंने तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 32 मिलियन की फिगर तो उन्होंने दी है कि जो वो चंद रोज़ में दे चुके हैं। शिपिंग लाइंस के नंबर्स हम आपसे शेयर कर लेंगे कि जो वो हमें देंगे। हाँ जी, मिलियन डॉलर नहीं, नहीं जी, मैं तो उनको बता रहा हूँ, कंटेनर टर्मिनल वालों ने जो हमसे शेयर किया है।
हम जो दे रहे थे वो तकरीबन कोई 30 करोड़ से ज़्यादा का था, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स दे रही थी। कंटेनर टर्मिनल्स का रिलीफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आज मीडिया के सामने कह देता हूँ, जो उस रोज़ बात हुई थी उन्होंने हमसे कहा था कि जितनी कम मालियत का कंटेनर होगा या पैरिशेबल आइटम का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे। जितनी बड़ी मालियत का होगा, मिसाल के तौर पर CKD किट्स आई हुई हैं, शायद उसमें इतना बड़ा रिलीफ ना मिल जाए। हम तो मुंतज़र हैं कि कस्टम्स और ये स्टेट बैंक का ये वाला हमें अगर अप्रूवल हो जाता। आपके सामने हमने बताया था, आज भी हमारे पास जगह हैं कि अगर डी स्टफिंग की या क्रॉस स्टफिंग की इजाज़त दी जाए तो कम से कम जो कंटेनर्स का डैमरेज है और डिटेंशन है वो चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ताजरों को नहीं मिल रहा रिलीफ, लेकिन अगर तवक्को ये है कि एक जनरलाइज्ड किस्म का अमूमी वेवर आ जाए कि सबको ये मिल रहा है, तो उसमें प्राइवेट कंटेनर टर्मिनल्स ने और शिपिंग लाइंस ने हमसे ये गुजारिश की थी कि आप ये ना कीजिए, हम सबको रिलीफ देंगे बट हम एज पर दी वैल्यू देंगे। जी, मेरे ख्याल में देखें रिलीज़ होने की तो जिसकी LC को खोलने की इजाज़त है ना, वही हो चुके हैं। मेरे पास इस वक्त तो नहीं है वो फिगर, लेकिन शाम तक हमारा दफ्तर आपको प्रेस रिलीज बता देगा कि पिछले एक महीने में कितने कंटेनर्स रिलीज़ हो चुके हैं। और जी चीज़ ये कि एनवायरनमेंट के हवाले से आपने बात की और कराची पोर्ट के लेफ्ट और राइट लियारी नदी और मलीन नदी का जो मसला रहता है, यकीन उसको जो प्लांट लगेगा वो तो एक अलग बात है, फिर सूबे और वफाक का भी मसला आ जाता है। इस मतलब तो मीडियम में आप सूबे के साथ भी हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन हो सकती है, लेकिन फॉर द लास्ट 10 मंथ आपने प्रैक्टिकल स्टेप ऐसा क्या लिया कि कम अज़ कम सॉलिड वेस्ट ही ना आए, या एनवायरनमेंट के हवाले से प्रैक्टिकल स्टेप मैरिटाइम मिनिस्ट्री ने क्या लिए हैं? क्योंकि अगर सॉलिड वेस्ट आता है तो आपकी ड्रेजिंग कॉस्ट भी, मेंटेनेंस ड्रेजिंग कॉस्ट भी बढ़ती है। बिलाशुबा आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। दो चीज़ें हैं इमरान, पहली बात तो ये है कि ये नहीं कि PDM में कोई किसी के साथ है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट को अपने फेडरेटिंग यूनिट से बात करनी है, किसी भी जमात की हुकूमत हो उसको रिस्पेक्ट करना है। तो हमने तो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो NOCs में ही चीज़ें फंसी हुई थी कई सालों से, तो हम आपके इल्म में है कि अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम ने वफाक ने अपनी जिम्मेदारी ली थी माइकोलाची का, उस पर हमने काम शुरू कर दिया। दूसरी बात, हमने आपके इल्म में है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर हमने एक जो ओशन क्लीन अप के नाम का स्टार्टअप है वो एक पायलट प्रोजेक्ट हम ये लियारी नदी के ऊपर इसको शुरू कर रहे हैं। तीसरी बात, पोर्ट कासिम पे कम्बाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है 5 मिलियन गैलन रोज़ाना का, उसकी भी चीज़ें मेरे ख्याल में टेंडरिंग उसकी फाइनलाइज हो रही है, वो हम कर चुके हैं। हालांकि प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट उन सारी इंडस्ट्रीज़ ने लगाने थे, बदकिस्मती के साथ हमारे जो एक्सपोर्ट बेस्ड हैं वो तो लगाते हैं प्राइमरी, लेकिन उस तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये चंद इकदाम हैं कि जनाब जो हमने यहाँ पर किए हैं। कराची पोर्ट का ये मैं आपके सामने कह दूँ कि उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी है, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, ख़ासकर इन्वायरमेंट के हवाले से भी, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब मैंने कलमदान संभाला है तो अगर यही सूरत हाल रहती तो अगले 4 साल में कराची पोर्ट ब्रेक इवन पे जाने वाली थी, क्योंकि हमने ना टैरिफ रिविज़न किया था, ना हमने वहाँ के लीज़ के मसाइल को दुरुस्त किया था, और जो दीगर चीज़ें थी उनको भी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं। थोड़े बहुत ये पैसों की हमें यहाँ पर गुंजाइश मिलती है, तो आप देखिएगा कि मज़ीद हम इनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हैविंग सेड दैट, जब तक ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेस्ट आना बंद नहीं होगा, जो मौजूदा वहाँ पर फजला है उसकी मकदार बढ़ती चली जाएगी, उसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, तो एक मुस्तकिल कंसर्न है। और जो सिंध गवर्नमेंट कोई 34 अरब रुपए की लागत से अपना ये प्रोजेक्ट कर रही थी STP का लियारी नदी के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उसमें खासी ताखीर हो रही है। इस पर चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है कि फंडिंग अवेलेबल करने के साथ साथ जो इनके महकमे हैं वो सारे के सारे इसको दिन रात के हिसाब से काम करें, ताकि ये अबतरी ना हो जो हमारी, आप न सिर्फ ड्रेजिंग कॉस्ट आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, बल्कि हमारे जो वेसल्स हैं, और सिर्फ कमर्शियल वेसल्स नहीं है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक हैं यानी नेवी के जो जहाज़ और किश्तियाँ हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि जब आप वेविंग को ECC से अप्रूव करवा रहे हैं, यानी ये जो कंटेनर चार्जेस है, तो ये अप्रूवल वहाँ से ली है। एंड सेकेंडली, SN इकबाल साहब ने अपनी SUV वापस की है, तो वुड यू फॉलो द? नहीं, पहली बात तो ये है कि जनाब मेरे पास इस्लामाबाद में 1300 CC की ही गाड़ी है,
जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से है, और यहाँ पर जो इस्तेमाल में है वो कराची पोर्ट की अपनी मिल्कियत है, वो किसी मिनिस्टर की मिल्कियत नहीं है, और ना ही वो किसी मिनिस्टर को एज इन नीड एज इन वेन नीड बेसिस के ऊपर वो आती है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमें न सिर्फ ये कि बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करना है, बल्कि दूसरी बात यह कि मैंने ही सबसे पहले ये मुतालबा किया था, आपके इल्म में होगा कि कम अज़ कम 40% तो जो मिनिस्टर साहिबान का पेट्रोलियम अलाउंस है वो बहुत जो ओवरऑल हमारी एक्सपेंडिचर है उसमें कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं होगी, बट ये अहम है लोगों को ये बताने के लिए। आपके इल्म में है कि हमने तो खैर अभी तो तुर्की की वजह से पिछले महीने की हमारी सारी की सारी तनख्वाह भी वहाँ चली गई, और मज़ीद भी जो चीज़ें चाहें वो जानी चाहिए। और जहाँ तक पोर्ट कासिम वाली बात है, लेट मी लुक, अच्छा आपने PNSC कह रहे हैं आप, हाँ आपने पोर्ट कासिम कहा था, मेरे ख्याल में वो देख लेंगे कि उसको वो कहाँ से हुआ है। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अली इमरान सैयद PNSC पे बहुत मेहरबान है।